नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर में, हूं आपके साथ शिवानी पांडे। निर्भया मामले में अब एक नया मोड़ आया है, जहां पर खुद वकील एपी सिंह ने यह कहा है कि दोषी विनय शर्मा को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। आपको बताते चलें कि निर्भया मामले में सभी चार दोषियों को 1 फरवरी को फांसी दी जाएगी। इससे पहले दिल्ली पुलिस के वकील ने अदालत में कहा कि दोषी विलंब की तरकीब अपना रहे हैं। साथ ही बताया कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने मौत की सजा पाए दोषियों के वकील द्वारा मांगे सभी संबंधित दस्तावेज मुहैया करा दिए गए हैं। इसी दौरान चार में से एक दोषी विनय शर्मा के वकील ने अदालत में दावा किया कि उनके मुवक्किल को धीमा जहर दिया जा रहा है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन कोई चिकित्सा रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। मामले में चार दोषियों में से तीन की ओर से पेश हुए वकील ने शुक्रवार को अदालत का रुख करते हुए आरोप लगाया कि तिहाड़ जेल के अधिकारी कुछ दस्तावेज नहीं दे रहे हैं और इसी वजह से उन्हें दया और सुधारात्मक याचिकाएं दायर करने में देरी हो रही है। वकील एपी सिंह ने आरोप लगाया कि जेल अधिकारियों ने अभी वो दस्तावेज नहीं दिए हैं जो विनय शर्मा के लिए दया याचिका और अक्षय कुमार सिंह और पवन सिंह के लिए सुधारात्मक याचिकाएं दायर करने के लिए आवश्यक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दो अन्य दोषियों विनय और मुकेश सिंह की सुधारात्मक याचिकाएं खारिज कर दी थी। राष्ट्रपति ने इस महीने की शुरुआत में मुकेश की दया याचिका खारिज कर दी थी। अदालत के आदेश के अनुसार सभी चारों को 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा। तो निर्भया के दोषी के वकील ने ये आरोप लगाया है कि दोषी विनय शर्मा को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और उसको अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।